असलक्रम वरह ला एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप तमाम या का इस्तेमाल करता हूँ तो आज के इस वीडियो में हम टी आर टी टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट के एक अहम पर्चे पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में मालूम हासिल करने की कोशिश करेंगे और इसके एक अहम अनवान वैदिक दौर में तालीम के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन पर्चे से जुमला टीआरटी में टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट में 20 सवाल पूछे जाते हैं जिसके 10 निशानात होते हैं तो दरअसल हमको पर्सपेक्टिव्स ऑफ़ एजुकेशन में तालीम का पस मंज़र जानना होता है तालीम के पसमंज़र के बारे में मालूम हासिल करनी होती है कि किस तरह जब हमारे हिंदुस्तान में पहली तहजीब का खवा हुआ तो उस वक्त तालीम का निज़ाम क्या था और उसके बाद से तालीम की निज़ाम में क्या क्या तब्दीलियाँ आई और आज हमारा तालीमी निज़ाम कैसा है तो ये तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है तो सबसे पहले हमको वैदिक दौर में हम तालीम का निज़ाम क्या था उसके बाद बुद्ध दौर में तालीम का निज़ाम क्या था उसके बाद जैन दौर में का निज़ाम क्या था उसके बाद जब हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमतें क़ायम हुई तो उस वक्त हमारे हिंदुस्तान में तालीम का निज़ाम क्या था उसके बाद अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ हमारे मुल्क पर तो अंग्रेज़ों के दौर में तालीम का निज़ाम क्या था फिर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और उसके बाद हमारे मुल्क के तलीम नज़ाम में क्या क्या पेचीदगियाँ थी किस तरह उसको दूर करने के लिए मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई गई और उन मुख्तल कमेटीज़ ने अपनी क्या क्या रिकमेंडेशंस पेश की उसके बाद आज हमारे दौर का ताली निज़ाम कैसा है उसके बाद आ, जो रिसेंटली एन ई पी आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें तालीम तैली निज़ाम के बारे में क्या क्या बातें बताई गई तो ये तमाम चीज़ें हमको परस्पेक्टिवस ऑफ एजुकेशन में पढ़ना होता है तो उसी कड़ी के सिलसिले में जो हमारा पहला वीडियो है वैदिक दौर में तालीम उसके बारे में हम जो है कुछ मालूम हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो को आखिर तक देखिए वीडियो बनाने के लिए मैंने पाँच से छः सोर्सेस को इस्तेमाल किया है तो इसमें जो पॉइंट्स है वो काफ़ी अहमियत के हामिल है तो वीडियो को आखिर तक देखिए हो सकता है आपको शुरू में ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगे लेकिन आप जैसा जैसा वीडियो को देखते जाएंगे वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो वैदिक दौर में तालीम एजुकेशन इन वैदिक पीरियड वैदिक दौर में तालीम हिंदुस्तान की तारीख तकरीबन पाँच हज़ार साल के अहद पर मुहित है पाँच सा पाँच हज़ार साल पुरानी है इसकी ख़दामत का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि यह वेदों के अहद से शुरू होकर अब तक इरतखा पजीर है इसकी हम अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं हमारे तारीख़ का कि ये वेदों के दौर से शुरू है और अब तक इरतखा पजीर है वेदों में तालीम को समझाने के लिए इल्म इल आगहीनकसारी और पाकिजगी जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए इल्म आगही इनके सारी और पाकिजगी और वेदों में तालीम को नूर या प्रकाश या रोशनी से ताबीर किया गया और वेदों में बेइल्म इंसान को जानवर कहा गया और दरअसल ये जो वेद लफ्ज़ है ये वद से माखूज है जिसके माने इल्म के हैं चलिए आगे बढ़ते हैं वैदिक दौर में तालीम का मकसद सिर्फ़ दुनिया देना या सिर्फ़ सर्टिफिकेट देना कोर्स के खत्म पर ये नहीं था बल्कि शौरी और लाशोरी तौर पर नेक आदत और अली कदरों से रोशनास करवाना था तो शौरी और लाशोरी तौर पर नेक आदत से और अली कदरों से तलबा को रोशनास करवाना यह वैदिक दौर में तालीम का मकसद था खुदा की पहचान करना इसकी इबादत करना और इस तक पहुँचने के ज़रिए से वाकिफ़ करवाना तो तु, तोबा को खुदा की पहचान करवाना कि खुदा क्या है जिसने हमको पैदा किया वो कौन है और उसकी इबादत करना और उस तक पहुंचने के ज़रिए से तलबा को वाकिफ करवाना और जो सबसे अहम मकसद था एहसास खुदी सेल्फ डिसप्लिन रूहानियत का फ़रोग तो बच्चे के अंदर तलबा के अंदर सेल्फ़ डिसप्लिन आ जाना तालीम के जरिए उसके मकसद था बच्चा अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ सेल्फ़ रियलाइजेशन रियलइजेशन एहसास ख़ुदी रूहानियत का फ़रोग और इंसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल इसके साथ साथ एक और मकसद भी था वैदिक दौर में तालीम का जो सबसे अहम मकसद था मोक्ष नजात मोक्ष के माने है नजात निजात मिल जाना उसको ठीक है उसके बाद रस्म व रवाज ज उस ज़माने में के जो रस्म व रवाज थे उसका तहफुज करने के बच्चा क़बिल हो जाना और अपने धर्म की प्रैक्टिस करना और अपने धर्म पर चलने के खाबिल हो जाना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदुस्तानी कल्चर को और उस वक्त के मज़ाहिब को और डिसप्लिन को बहुत ज़्यादा अहमियत थी ठीक है ना यानी दूसरे दूसरे मानों में अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर रूहानियत को ज़्यादा अहमियत थी ठीक है उसके बाद इसके अलावा वैदिक दौर की तालीम का फौरी एक मकसद क्या था फौरी मकसद जात के तलबा को अपने अपने पेशे के लिए तैयार करना तो दरअसल जो वैदिक पीरियड था इसमें वरना सिस्टम कास्ट सिस्टम था यहाँ पर चार कास्ट थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चौथा था शुद्र तो यहाँ पर सिर्फ़ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को ही तालीम का हक़ हाँ हासिल था जबकि शद्र को तालीम हासिल करने का आ, कोई हक हाँ हासिल नहीं था तालिम उनके लिए मना थी और ये जो चार जातें थी जो क्या सिस्टम था ये उनके उनके कामों की बुनियाद पर था ब्राह्मणों का अलग काम मंदिरों की देखभाल करना आ, पुजारी वगैरह ये ब्राह्मण हुआ करते थे क्षत्रिय का, का काम आ, बादशाहत करना तो इस तरह उनके काम की बुनियाद पर जो है क्या सिस्टम था और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को ही जो है तालिम हासिल करने का हक़ हाँ हासिल था और इसके अलावा तालीम का मकसद भी ये एक था कि अपने अपने कास्ट के जो लोग हैं अपनी अपनी जात के जो लोग हैं उनका क्या पेशा है बच्चों को उससे वाकिफ करवाना और उससे वाबस्ता करवाना ये जो है तालीम का मकसद था तो चलिए आगे बढ़ते हैं तदरीस हिदायत का तरीक़ा तदरीस हिदायत का तरीक़ा मतलब उस ज़माने में वैदिक पीरियड में पढ़ाने का तरीक़ा क्या था मौलम किस तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए तदरीस का अमल अंजाम देते दे थे तो सबसे पहले एक तरीक़ा था औरल औरल एक तरीक़ार था ज़बानी ठीक है जिसको संस्कृत में मौखिक कहा गया उस वक्त में उसको मौखिक कहा जाता था ठीक है ना जबानी तरीक़ा जिसमें निसाब या मंत्रों को रास तौर पर ज़बानी बोल कर तलबा को याद दिलाया जाता था एक और तरीक़ा था जिसको आ, चिंतन कहा जाता था इस तरीक़े में तलबा को पढ़ाए गए निसाब को समझाया जाता था तो ज़बानी याद करना मौखिक और समझ कर पढ़ना चिंतन ये दो तरीक़े काफ़ी अहम थे इसके अलावा कहानी का तरीक़ा बहस व वबासे का तरीक़ा और सवाल जवाब का तरीक़ा भी हमको वैदिक पीरियड में देखने को मिलते हैं इसके अलावा तलबा की हम जहती तरक्की पर ज़ोर दिया जाता था तो तोबा के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ज़ोर दिया जाता था और एक तालीमी निज़ाम की वैदिक दौर में एक अहम खसूसियत ये थी यहाँ के यहाँ पर ग्रोह की नशोनमुमा के बजाय इनफरादियत हर फर्द पर जोर देकर स्ट्रेस देकर उसकी नशोनुमा की फ़िक्र की जाती थी और इनफरादी तौर पर जो है बच्चों को पढ़ाया जाता था मखसूस ज़रूरतों के हामिल तलबा के लिए जैसे ज़हनी माज़ूर है जिसमानी माज़ूर है मैंटली डिस्टर्बड है स्लो लर्नर्स है इनके लिए तालीम का कोई ख़ास निज़ाम नहीं था सिर्फ़ ऐसे तलबा को उस वक्त पढ़ाया जाता था जो जहनी तौर पर अच्छे हों जो जिसमानी तौर पर मजबूत हो तो जिसमानी मूर और ज़हनी मज़ूर और स्लो लर्नर्स को यहाँ पर तालीम हासिल करने का कोई इंतज़ाम नहीं था वैदिक पीरियड में चलिए आगे बढ़ेंगे तीन किस्म के सीखने के तरीक़े बहुत आम थे आम तौर पर ये काफ़ी अहम उनवान है तो जो वैदिक पीरियड है उसमें बच्चे आम तौर पर तीन तरीक़े से सीखते थे या अब हम यूँ कहेंगे कि तीन तरीक़े से इनको सिखाया जाता था एक है सरवाना दूसरा है मनाना और तीसरा है निध्यासना अगर हम इसको तौर पर इनके दूसरे दिगर नाम देखेंगे तो सरवाना को हम लिजनिंग कह सकते हैं ठीक है मनाना को हम थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन कह सकते हैं थिंकिंग एंड रिफ़्लेक्शन कह सकते हैं और निध्यासना को हम मेडिटेशन कह सकते हैं तो कभी रास तौर पर पूछ लिया जा सकता है कि आपको सरवाना का एक और नाम क्या है तो दरअसल ये टी आर टी दो हज़ार सत्रह के इम्तिहान में भी पूछा था कि निध्यासना को हम एक और नाम से जानते हैं तो उसका सही जवाब था मेडिटेशन ठीक है तो सरवाना का मतलब है लिजनिंग वेदों के मंत्रों को सुनकर याद करना ठीक है जो वेद के जो मंत्र हैं जो आमतौर पर जो ऋग्वेद के मंत्र उस वक्त पढ़ाए जाते थे जिसको रिचाया कहा जाता था तो उसको सुनना और याद कर लेना बगैर सोचे समझे दूसरा स्टेज था जो पहले स्टेज से आला दर्जे का था वो था मनाना थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन इसमें सुने गए और याद किए गए मवाद को मंत्रों को समझना और यहाँ पर मौल बच्चों को उस पर रिसर्च करने के मौक़े फराहम करते थे समझना उस पर रिसर्च करना और उसको अपनी रोजमर्रा ज़िंदगी में इतला करना और ये जो तरीका था मनाना ये सिर्फ़ आला जहन वाले तलबा के लिए था ठीक है उसके बाद जो तीसरा स्टेप है जो उससे आला दर्जे का था जिसको हम निध्यासना कहेंगे जिसका माना है, मतलब है मराखबा करना या मेडिटेशन करना यह सबसे आला दर्जे का था तो सबसे पहले था सरवाना सिर्फ सुनकर याद करना दूसरा मनाना समझकर रिसर्च करना और उसको इस पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो ची सीखे गए चीज़ों का इतलाक़ करना और निध्यासना सना ठीक है ना और ये जो मनाना का जो तरीक़ेकार था ये सिर्फ़ जहन के बच्चों के लिए था चलिए आगे बढ़ते हैं मोनिटोरियल सिस्टम में क्या होता था वैदिक दौर में मोनिटोरियल सिस्टम काफ़ी आम था तो एक मोनीटर के तौर पर स्टूडेंट में से ही एक तालब इल्म को आचार्य अपॉइंट करता था और वो मॉनिटर या जिसको पी टीचार्या कहा जाता था वो जूनियर तलबा की देखभाल करता था ठीक है तो और आचार्य की गैर मौजूदगी में ये पी टीचार्या कुरुकुल के सारे काम काज के ज़िम्मेदार भी होते थे ठीक है तो इसको ये सीनियर तलबा को जिसको हम असिस्टेंट टीचर के तौर पर अपॉइंट करते थे उसको पी टीचार्या कहा जाता है तो एक बात जहन में रख लीजिए वैदिक पीरियड में उस्ताद को आचार्य कहा जाता था और स्टूडेंट को ब्रह्माचार्या कहा जाता था और इसके अलावा जो स्कूल्स थे उनको गुरुकुल कहा जाता था और मॉनिटर के तौर पर जिन सीनियर तलबा को अपॉइंट किया जाता था उसको पी चारिया कहा जाता था और एक बात ये जहन में रख लीजिए सिर्फ गैर शादीशुदा लोग ही गुरुकुल में दाखिले के दाखिला ले सकते थे जिसको हम ब्रह्माचार्य कहते हैं तो दरअसल ब्रह्माचार्य अनमेरिड होते थे ठीक है ना ये अनमेरिड होते थे तो ये चार चीज़ों को याद रख लीजिए उस्ताद को आचार्य कहा जाता था स्टूडेंट को ब्रह्माचार्य कहा जाता था और स्कूल्स गुरुकुल हुआ करते थे जो आमतौर पर बस्ती से बाहर एक रेसिडेंशियल टाइप के होते थे जो आमतौर पर बस्ती से बाहर किसी जंगल में हुआ करते थे और जो मॉनिटोरियल सिस्टम था जिसमें एक सीनियर टीचर को अपॉइंट किया जाता एक सीनियर तालब इलम को अपॉइंट किया जाता था जूनियर तलबा की देखभाल के लिए उसको पी टीचार्य कहा जाता था तो दरअसल ये सवाल ऑलरेडी हमारे टी आर में पूछा जा चुका है कि मोनिटोरियल uh, सिस्टम किस दौर uh, से ताल्लुक़ रखता है तो उसमें ख़दीम दौर जदीद दौर इस तरीके से कुछ ऑप्शंस थे तो ज़ाहिर बात है ख़ीम दौर में मोनिटोरियल सिस्टम हुआ करता था इसके अलावा ज़रिए तालीम संस्कृत ज़बान था क्योंकि तमाम किताबें संस्कृत में थी तो इसलिए ज़रिए तालीम भी हमारा संस्कृत ज़बान में था तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर उपन्ना एक रस्म थी वैदिक दौर में एक रस्म थी उपन्ना क्या है ये रस्म तो जब एक तालिबे इल्म को गुरुकुल में एडमिशन लेना होता था या तालीमी निज़ाम से जुड़ना होता था या तालीमी निज़ाम में तालीमी सिस्टम में शामिल होना होता था तो वो ऐसे ही गुरुकुल में रास्त तौर पर दाखिला नहीं ले सकता था बल्कि उसको एक रसम अदा करना होता था जिसका नाम था उपनयना और इस रसम का जिक्र हमको अथरवेद में मिलता है इस रसम के ज़रिए यह समझा जाता था के तालिबे इल्म तालीम हासिल करने के लिए अपने जहन और जिसम को पाक कर चुका हो ठीक है तो ये रस्म आमतौर पर तीन रोज़ा होती थी तीन रोज़ा रस्म होती थी इस रस्म के बाद एक बच्चा पाक हो जाता था ज़हनी तौर पर और जिसमानी तौर पर और अब वो तालीम हासिल करने के काबिल हो जाता था ठीक है अब जब ये रस्म अदा की जाती थी तो अब यह समझा जाता था कि एक लड़का पाक हो चुका है अब वह ब्रह्मचार्य है अब वह गुरुकुल में दाखिला ले सकता है ठीक है और ये रस्म जातों के लिए मुख्तलिफ़ उम्र में होती थी जैसा ब्राह्मण ये रस्म आठ साल में अदा कर कर दाखिला लेते थे जबकि क्षत्रिय के लिए ग्यारह साल और वैश्य के लिए बारह साल थी जबकि शूद्र के लिए तालीम मना थी पन्नाना रस्म के जरिए एक तलबा स्कूल में एडमिशन लेने के दाखिला लेने के लिए काबिल बन जाता था पाक व साफ जिसमानी तौर पर और जहनी तौर पर हो जाता था ठीक है और ये रस्म ब्राह्मण के लिए आठ साल क्षत्रिय के लिए ग्यारह साल और वैश्य के लिए बारह साल हुआ करती थी चलिए अब आगे बढ़ेंगे एक और रस्म थी समावर्तन समावर्तन यानी गुरुकुल की तालीम मुकम्मल स्कूली तालीम मुकम्मल होने के बाद गुरुकुल की तालीम मुकम्मल होने के बाद यह रस्म अदा की जाती थी पहले उपन्याना रस्म के जरिए दाख़िला दिया जाता था और जब तालीम मुकम्मल हो जाती थी स्कूली तालीम जो आमतौर पर बारह साल की होती थी तो उसके बाद समावर्तन रस्म अंजाम दी जाती थी उसके माने क्या है समावर्तन के माने है ग्रेजुएशन और कॉन्वोकेशन, ठीक है ना बारह साल की स्कूली तलीम के मुकम्मल करने के बाद ये रस्म अंजाम दी जाती थी ठीक है इस रस्म को विद्या स्नातक यानी इल्म में नहाया हुआ या बाथड इन नॉलेज से ताबीर किया जाता है तो खास तौर पर आपको पूछा जा सकता है कि वो कौन सी रस्म है जो बाथड इन नॉलेज के नाम से जानी जाती है या फिर जिसको बाथड इन नॉलेज इल्म में नहाया ना, हुआ से ताबीर किया गया तो वो समावर्तन रस्म थी इस रस्म में तलबा मोम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह गुजारना है इससे वाकिफ करवाते और मोलम से गुरु दक्षिणा की ख्वाहिश करते तो मौलम क्या करते इस रस्म में तलबा को ये बताते कि आप अब यहाँ से जा रहे हैं और आपको बखिया ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना है इससे मौलम तलबा को वाकिफ़ करवाते और तलबा क्या करते मोलम से गुरु दक्षिणा की ख्वाहिश करते कुछ गिफ्ट की ख्वाहिश करते थे अपने मौलम से जिसको आचार्य कहा जाता था वैदिक पीरियड में तो ये थी समावरतना रस्म तो दो रस्में थी एक उपन्याना एक समावर्तन उपन्याना रस्म गुरुकुला में दाखिले से पहले और दाखिला लेने के बाद जब मुकम, तालीम मुकम्मल हो जाती थी तब समावर्तन रस्म उसके बाद वैदिक दौर में तलब इल्म की ज़िंदगी को हम चार अदवार में तकसीम कर सकते एक तो है ब्रह्मचार्य ज़िंदगी गुजारने का दौर ग्रस्त आश्रम उसके बाद एजी ज़िंदगी के रिश्तों से नजात पाकर ज़िंदगी गुजारना वाना प्रस्त और तमाम ज़िंदगी के बंधनों से टूट कर ज़िंदगी के जितने भी रिश्ते हैं सबसे टूट कर सिर्फ खुदा को राज़ी करने के लिए ज़िंदगी गुजारने वाले सन्यासी आश्रम ये चार अहम हैं आपको डायरेक्टली इम्तहान में जोड़ मिला ये मैं ये पूछ सकता है चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ आलम सिस्टम आलम सिस्टम क्या था वैदिक दौर में वैदिक दौर में आलम सिस्टम चूंकि जो गुरुकुल चलाए जाते थे उसके लिए कोई फीस नहीं थी तालीम के लिए कोई फ़ीस नहीं थी तो ऐसे में गुरुकुल का ख़र्च इस का खर्च और तलबा का खर्च ये पूरे गुरुकुल को चलाने की ज़िम्मेदारी किसकी होती थी तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की होती थी स्टूडेंट्स अब ये रकम कहाँ से जमा करना तो ये रकम स्टूडेंट्स भीख मांगकर जमा करते थे बादशाहों से अमीर लोगों से सोसाइटी से समाज से ये स्टूडेंट्स क्या करते थे भीख मांग कर ा कपड़े पैसा जमा करते ग़ा कपड़े वगैरह जमा करते थे तो उसी से पूरे गुरुकुल का कामकाज होता था तो इसको आलम सिस्टम कहा गया ठीक है ना तालिबे इल्म की जिम्मेदारी ब्रह्मचार्य की ज़िम्मेदारी होती थी कि वो अपने उस्ताद के खाने का इंतज़ाम करें और इसके लिए तालब कपड़े ज़ा समाज से भीख मांग कर हासिल करते थे और अपने के रोज़ाना का खर्च चलाने के ज़िम्मेदार होते थे चाहे वह अमीर हो या गरीब सबके लिए भीख मांगना लाजिम था इसी को जो है आलम्स सिस्टम कहा जाता है ब्रह्माचार्य को दिए जाने वाले ग्रेड ब... उस दौर में ब्रह्माचार्य को स्टूडेंट्स को ग्रेड भी दिए जाते थे किस तरीके के ग्रेड्स मिलते थे उनको एक तो था महाप्रजनन महाप्रजनन यही बहुत ज़्यादा जहीन आला सलातों वाले तलबा को महाप्रजनन का ग्रेड दिया जाता था और सिर्फ़ आला दर्जे के तलबा के लिए मध्यना प्रजनन और कम सलायत वाले तलबा को अल्प प्रजनन ग्रेड दिया जाता था तो महाप्रजनन आला बहुत ज़्यादा आला जहन वालों को मध्यना प्रजनन औसत तलबा को और अल्प प्रजनन कम सलात वाले तलबा को ग्रेड्स इस तरीके से ग्रेड्स दिए जाते थे चलिए आगे बढ़ेंगे यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्म अजीना और वासा दो किस्म के निचले और ऊपरी कपड़े हुआ करते थे अजीना को ऊपर से उड़ा जाता था ब्रह्माचार्य उसको ऊपर से ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे और वासा निचला कपड़ा था जो आम तौर पर अलसी के दरख्त से या कोसा घास से बनाया जाता था या फिर कारपस जिसको कपास कहते हैं उससे बना हुआ होता था वासा अजीना ऊपरी कपड़ा और वासा इनर गारमेंट निचला कपड़ा इसके अलावा ब्रह्मचार्य अपने साथ एक डंडा भी रखते थे डंडा ठीक है ना अब ये डंडा की लंबाई मुख्तलिफ होती थी मुख्तलिफ जातों के लिए ब्राह्मण के लिए ये डंडे की लंबाई सर तक होती थी और क्षत्रिया के लिए ये लंबाई पैशानी तक होती थी और जबकि वैश्य के लिए इस डंडे की लंबाई नाक तक होती थी और यह डंडा सीधा होता था और खूबसूरत हुआ करता था तो ब्रह्माचार्य उस ज़माने में अपने साथ एक डंडा रखा करते थे ब्राह्मण के लिए इस डंडे की लंबाई सर तक क्षत्रिय के लिए पैशानी तक और वैश्य के लिए लंबाई नाक तक हुआ करती थी उसके बाद मेखला नाम का एक बेल्ट होता था उस ज़माने में वैदिक दौर में जिसको मेखाला कहा जाता था यह किस्म का बेल्ट होता था जो कमर पर हम इसको बांधते थे और ये भी मुख्तलि ज़ातों के लिए मुख्तलिफ़ धागों से बना हुआ होता था ठीक है ना तो जातों के लिए मुख्तलिफ़ धागों से ये बना हुआ बेल्ट होता था जैसा ब्राह्मण के लिए ये घास का बना होता था या कपास का बना होता था क्षत्रिय के लिए यह तांत का बना होता था जबकि वैश्य के लिए यह ऊन का बना होता था ठीक है ना तो ब्राह्मण के लिए घास या कपास या जिसको कार्पस कहा जाता है क्षत्रिया के लिए तांत का बना होता था ये धागा और वैश के लिए ये ऊन का बना होता था हो। तो ये दरअसल कमर पर बांध बांधा हुआ आजकल के ज़माने में भी, भी गैर मुस्लिम लोग ये धागा बांधते हैं ब्राह्मण अक्सर बांधा करते हैं तो ब्राह्मण के लिए ये कपास या कार्पस का या घास का और क्षत्रिया के लिए तांत का और वैश के लिए ये ऊन का बना होता था इसके अलावा ब्रह्मचार्य को कॉस्मेटिक्स किसी भी किस्म के और खुशबू लगा लगाने की गुरुकुल में इजाज़त नहीं थी ठीक है और ब्रह्मचर्य के दो अकसाम थे एक तो उपकुरवाना ब्रह्मचर्य दूसरा नास्तिक ब्रह्मचर्य ये दो किस्म के ब्रह्मचर्य कौन से होते हैं तो जो उप उपकुरवाना ब्रह्मचर्य है ये ऐसे तलब इल्म होते हैं ऐसे ब्रह्मचर्य होते हैं जो एक मखसूस मदत तक तालीम हासिल करते हैं उसके बाद वो अपनी रोज़मर्रा जिंदगी गुजारने की तरफ लौट जाते हैं अज्वाजी ज़िंदगी की तरफ और दूसरे वो ब्रह्माचार्य होते हैं जो अपनी मुकम्मल ज़िंदगी तालीम के लिए वफ़ कर चुके होते हैं और वो कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ में अजदवाची ज़िंदगी में रोजमर्रा ज़िंदगी की तरफ लौट कर नहीं जाते बल्कि पूरी की पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तालीम के लिए वफ़ कर चुके होते हैं तो उपकुरवाना ब्रह्माचार्य नास्तिक ब्रह्माचार्य दो ये याद रखिए उसके बाद है तालीमी मुद्दत क्या होती तो तालीम के लिए अलग अलग डिग्रीज़ के तौर पर मुद्दतें बनाई गई थी जैसा कि अगर आप 24 साल तक तालीम हासिल करते हैं तो आपको वासु कहा जाता है और अगर आप 36 साल तक तालीम हासिल करते हैं दरअसल यहाँ पर 36 आना चाहिए और यहाँ पर अड़तालीस आना चाहिए तो अगर आप 36 साल तक तालीम हासिल करते हैं तो आपको रुद्र कहा जाता है और अगर आप 48 साल तक तालीम हासिल करते हैं तो आपको आदित्य कहा जाता है तो ये तीन हिस्सों में डिग्रीज़ की बुनियाद पर तालीम की ज़िंदगी को तकसीम किया गया था वासु रुद्र आदित्य इसके अलावा जब कभी आप गुरुकुल में एडमिशन लेते हैं दाखिला लेते हैं गुरुकुल में तो पहले आपको लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ाया जाता था और जो लिटरेचर uh, और लैंग्वेज uh, की तालीम हासिल कर लेता उसको खटीका कहा जाता था उसके बाद लैंग्वेज पढ़ाने के बाद पहले लैंग्वेज से वाकिफ़ करवाया जाता था उसके बाद मजामिन पढ़ाए जाते थे और जब आप मुख्तलिफ़ मजामी पढ़ लेते थे तो आपको चरना कहा जाता था और जो आम तौर पर जो इल्म फलसफ़ा की तालीम हासिल करते प्राण व्याकरण और सियासत की तालीम हासिल कर लेते तो आपको चतुपति कहा जाता था तो याद रखिए पहले गुरुकुल में दाखिले के फौरी बाद आपको पहले ज़बान और अदब पढ़ाया जाता था और ये तालीम हासिल कर लेने वाले को खटीका कहा जाता था और उसके बाद मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाए जाते थे अगर आप वो मुख्तलिफ़ मज़ामीन की तालीम हासिल कर लेते तो आपको चरना कहा जाता था उसके बाद इल्म फ़लसफ़ा प्राण व्याकरण और सियासत की तालीम दी जाती थी और ये भी अगर आप तालीम हासिल कर लेते तो आपको चतोपथी कहा जाता था उसके बाद वैदिक दौर में मौलम मौलम को रूहानी बाप या हकीकी माँ बाप का दर्जा हासिल था मौम को आचार्य कहा जाता था इसको ब्रह्मा विष्णु और महेश का तस् अवतार तस्वुर किया जाता था और बच्चों से ब्रह्माचार्या से ये तो़़ी की जाती थी कि वह अपने आचार्य की पूरी पूरी खिदमत करे उसकी हर बात सुने और अगर ब्रह्माचार्य आचार्य की बात नहीं सुनता था या उसको नज़रअंदाज कर देता तो इसको उस दौर में गुनाह समझा जाता था और वैदिक दौर में हमको ये एक चीज़ देखने को मिलती है कि वैदिक दौर में जिस्मानी सज़ा से काफ़ी इजतनाब किया गया जिस्मानी सज़ा से काफ़ी बचा गया बहुत कम जब सज़ा दी जाती थी इसके अलावा इन तमाम चीज़ों के साथ मौलम की क्या जिम्मेदारी थी मौलम बच्चों के अंदर आ... जानवरों की अफजाइश ज़रात और तिब जैसी पेशे वाराना महारतों से बच्चों को वाकिफ करवाना ये मौलिम का काम होता था प्रोफेसर डॉक्टर आलटेकर के मुताबिक तालीम का मकसद सिर्फ़ आम मालूमत फ्राहम करना नहीं बल्कि मुख्तलिफ़न में माहिर अशास पैदा करना सिर्फ बच्चों को जी के दे देना उसका उस वक्त का मकसद नहीं था बल्कि उस पेशे में बच्चों को महारत हासिल करवाना ये उस दौर में तालीम का मकसद था और मोलम की जिम्मेदारी हुआ करती थी चलिए आगे बढ़ते हैं वैदिक दौर में तालीम की खसूसियात क्या थी तमाम के लिए यासा मौाक़े थे सादा जिंदगी और आला अंदाज फ़िक्र था। थाल सादा जिंदगी गुजारते थे लेकिन उनका अंदाज फ़िक्र आला था बच्चों को तालीमी आज़ादी थी बच्चे आजादाना तौर पर रिसर्च वगैरह किया करते थे और हिंदुस्तानी तमदन कोला मुकाम था चूँकि मज़हब को ज़्यादा अहमियत थी मज़हबी तालीम दी जाती थी तो हिंदुस्तान के जो तमदन था उस वक्त का उसको बहुत अली मुक़ाम हासिल था इसके अलावा कमर्शियल एजुकेशन और मैथमेटिकल एजुकेशन भी पढ़ाया जाता था कमर्शल एजुकेशन में बैंकिंग थ्यूरी को निसाब में शामिल किया गया था और रियाजी की तलीम में जो शलवा सूत्रा है जो रियाजी का सबसे हदीम वर्क है उसको भी इसी दौर में कम्पाइल किया गया एक जगह किया गया जो कि करीब चार सौ बीसी से दो सौ ए डी तक का दौर है उसके बाद जो सीफर की एजाद हुई हिंदुस्तान में जो सीफर का तस्वूर था इसी दौर में वजूद में आया ठीक है एक आर्या भट्टा थे जो इसी दौर के एक मशहूर रियाजी दाम भी थे तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये थी रियाजी वैदिक दौर के तालीम की चंद खसूसियात अब वैदिक दौर में जो निसाब था सिर्फ़ यहाँ पर वेद चार वेद ही नहीं पढ़ाए जाते थे बल्कि इस इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी एथोनोलॉजी एपिस्टोमोलॉजी ह्यूमन यूजेंसी जियोलॉजी वैदिक मैथ्स एस्ट्रोनॉमी इकोनॉमिक्स ये तमाम आ, सब्जेक्ट जो है उस दौर में पढ़ाए जाते थे वेदों के साथ साथ वेदों के साथ साथ ये तमाम चीज़ें भी पढ़ाई जाती थी अब एक टी टी का सवाल है जिसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है निधिध्यासना को इस नाम से भी जाना जाता है तो निधिध्यासना को हम इस नाम से भी जानते तो जैसा मैंने कहा था सर्वाना मनाना निध्यासना सर्वाना मनाना निध्यासना ठीक है ना सर्वाना के माने है लिजनिंग सुनना इसके माने थिंक मनाना के माने है थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन और निध्यासना के माने है मराबा या मेडिटेशन तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही था तो ये था वैदिक दौर में एजुकेशन वैदिक दौर में तालीम का ये हमारा वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप चाहते हैं कि पर्स्पेक्टिव के मज़ीद इस तरीक़े के वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर कर आएँ तो आप ज़रूर बस ज़रूर कॉमेंट करके इसमें बताइए अगर ज़्यादा से ज़्यादा कामेंट आते हैं तो मैं मज़ीद इस तरीक़े के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़